पिछला एक सप्ताह पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा। दिल्ली के राजघाट से आरंभ हुआ अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस का आंदोलन ठीक एक सप्ताह बाद कोलकाता के राजभवन में बैठक के बाद समाप्त हुआ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा की राशि राज्य सरकार को नहीं दिए जाने के विरोध में यह आंदोलन छेड़ा था। गौरतलब है कि करीब पिछले दो सालों से केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को मनरेगा कोटे की धनराशि रोक रखी है। केंद्र का कहना है कि राज्य सरकार मनरेगा राशि का हिसाब नहीं दे रही है। इस मुद्दे पर कई महीनों से केंद्र और राज्य सरकार के बीच खींचतान चल रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई बार केंद्र सरकार को राशि का भुगतान करने को कहा था, लेकिन केंद्र ने उसे अनसुना कर दिया था। इधर बीजेपी ने अभिषेक के आंदोलन के प्रभाव को देखते हुए यह जोर शोर से प्रचारित करना शुरू कर दिया कि मनरेगा फंड को लेकर पश्चिम बंगाल में बड़ा घोटाला हुआ है। बहरहाल एक सप्ताह तक चले आंदोलन के आखिरी दिन आज सोमवार को शाम 4 बजे अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल का एक प्रतिनिधिमंडल राजभवन गया और राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मिला। इस प्रतिनिधिमंडल में 30 सदस्य शामिल थे। इस प्रतिनिधिमंडल में 8 मनरेगा मजदूर भी थे। राज्यपाल को मनरेगा मजदूरों द्वारा लिखी गई लाखों चिट्ठियां भी सौंपी गई। राज्यपाल के साथ बैठक में शामिल तृणमूल सांसद सौगत राय ने कहा कि राज्यपाल ने उनकी मांगों को केंद्र सरकार के समक्ष रखने और समस्या का समाधान निकालने का आश्वासन दिया है। इसके बाद ही अभिषेक ने राजभवन के समक्ष चल रहे अपने धरने को समाप्त करने की घोषणा की। हालांकि तृणमूल ने कहा है कि अगर 31 अक्टूबर तक केंद्र बंगाल के हित में फैसला नहीं लेता है तो फिर नवम्बर से अभिषेक बनर्जी आंदोलन शुरू करेंगे। दरअसल यह गौर करने की बात है कि अभिषेक बनर्जी द्वारा मनरेगा राशि के मुद्दे पर किए गए आंदोलन में कहीं भी तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी नहीं दिखाई दी। सिर्फ जब पिछले मंगलवार को अभिषेक और बाकी तृणमूल नेताओं को दिल्ली के कृषि भवन में हिरासत में लिया गया तो ममता बनर्जी ने ट्वीट कर दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई की निंदा की थी, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वह इस आंदोलन में कहीं नहीं दिखाई दी। दरअसल यह तृणमूल कांग्रेस की सोची समझी रणनीति का हिस्सा था कि अभिषेक को ही मनरेगा के मुद्दे पर आंदोलन का चेहरा बनाया जाए। इस एक सप्ताह तक अभिषेक बंगाल की राजनीति में सुर्खियों में रहे। जब गुरुवार से राजभवन के सामने उनका धरना प्रदर्शन शुरू हुआ तो पूरे राज्य से तृणमूल कार्यकर्ता और समर्थक यहां आते रहे। धरना के 5वें दिन तृणमूल के बड़े नेताओं ने भी यहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस तरह से अब प्रत्यक्ष रूप से तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी नेता के रूप में स्थापित हो गए हैं। पहले हर सभा जुलूस में ममता बनर्जी के साथ अभिषेक बनर्जी की तस्वीर होती थी, ममता के साथ अभिषेक के नारे भी लगाए जाते थे, लेकिन पार्टी का चेहरा ममता बनर्जी ही थी, नेतृत्व की कमान ममता के हाथ में ही थी। लेकिन अब स्थिति परिवर्तित हो गई है, बल्कि सुनियोजित ढंग से परिवर्तित कर दी गई है। अब नाम के साथ ही काम के भी अभिषेक बनर्जी पार्टी के दूसरे नंबर के नेता बन गए हैं और हाँ, ममता बनर्जी के उत्तराधिकारी भी बन गए हैं, भले इसकी घोषणा नहीं की गई है।